नहीं होगी बनकर, लागत अब लाइट के साथ ये 18 से 19 लाख रुपए तक की लागत गई है इसकी। मतलब इसमें लाइटिंग। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और से आप लोग कितना लोग आए हैं यहाँ पर? छोटे के लो बड़े नमस्कार, हाय नमस्ते, क्या मनोज, क्या हाल चाल, सत बल प्रसाद, आप देख रहे हैं ब्लॉगर बबलू। तो स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। अभी चल रहा है दुर्गा पूजा का सीरीज और अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 9 वैशाली मोड़ में। पता आप लोग को ये हर साल कुछ ना नया लेके आता है, तो इस बार क्या लेकर नया आया है, तो हम चलिए कमेटी मेंबर से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ बारे में कब तक ये मेला लगने वाला है और ये मेला कब तक तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छे नज़ारों के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फाइनल दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं पंडाल के सामने, देख सकते हैं, और ये पंडाल स्वरूप अभी तक इतना बनकर तैयार हो चुका है और काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। देखते हैं हमारे वर्कर लोग, देखते हैं वहाँ पर जूम करते जाते भाई, थोड़ा सा देख सकते हैं वहाँ पर अभी सभी वर्कर लोग जोरों शोर से काम चल रहा है अभी। तो चलिए कमेटी मेंबर से भी बात करेंगे यहाँ पर किस थीम पर आधारित बन रहा है ये, क्योंकि ये काफी चर्चित होता है बोकारो के यहाँ पर पंडाल में। पंडाल में पहुंच चुके हैं और यहाँ देखते हैं काफी कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए भैया से कुछ जानकारी लेते हैं ऐसे अंदर पे। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और इसी से आप लोग कितना लोग आए हैं यहाँ पर? हम लोग आए करीब 15 लोग। हम लोग कितने दिन पहले आए हैं आप लोग? हम लोग आया करीब 4-5 दिन पहले। 5 दिन पहले। ये पंडाल ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? पूजा को पहले षष्ठी तक कम्प्लीट हो जाएगा। षष्ठी तक हो जाएगा ना। देखते हैं काफी लोग आए हैं। आप लोग कितने लोग आए हैं? आप लोग आए 15 आदमी। 15 लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं पंडाल अभी तक इतना बनकर रेडी हो चुका है। 5 दिन पहले आए हुए हैं और यहाँ पर इस बार क्या बन रहा है आप लोग कुछ नॉलेज? मतलब नहीं भैया, हमको इसका नाम नहीं पता। नाम नहीं पता है ना। बाकी चलिए हम कमेटी मेंबर से बात करेंगे, आपको बताएंगे आप लोगों को। देखते हैं काफी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिखाओ इधर भैया लोग अभी काम कर रहे हैं इधर। और देखिए इन लोग के लिए यहाँ रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया, देखते हैं यहाँ पर रह रहे हैं सभी लोग, क्योंकि अभी ये लगभग यहाँ 15 से 20 दिन काम चलने वाला है, इसीलिए आप लोगों को। चलिए अब अंदर चलते हैं, कमेटी मेंबर से बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा दिखा इधर। तो देख सकते हैं यहाँ पंडाल अभी तक इतना बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर देखिए मूर्ति का जो यहाँ पर है, यहीं पर मूर्ति रहेगा यहाँ पर। तो और अभी यहाँ पर चलते हैं, भैया लोग अंदर में हैं तो अंदर से बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपको, ठीक है? आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम शुभम सिंह हुआ। शुभम सिंह। तो ये जो इस बार वैशाली मोड़ में पंडाल बन रहा है जी, ये किस थीम पर आधारित है? ये इस्कॉन टेम्पल है मायापुर कोलकाता का। कोलकाता मायापुर, तो ये काफी फेमस टेम्पल है, बता रहे आप लोगों को। तो इस टेम्पल को अभी जो आप लोग कमेटी मेंबर लोग हैं बनाने पर, ये जो टेम्पल बन रहा है इसकी लागत कितनी होगी बनकर? लागत अब लाइट के साथ ये 18 से 19 लाख रुपए तक की लागत गई है इसकी। मतलब इसमें लाइटिंग वगैरह भी लगेगा जी? मतलब नाइट में लाइटिंग का भी शो का भी? हाँ, मतलब जो सारा लाइटिंग होता है, ब्लॉक्स में लाइटिंग होती है, सारे मिला वाला के लगभग 20 लाख की लागत से ये पंडाल बनकर तैयार होगा। तो ये पंडाल कब तक बनकर रेडी हो जाएगा? ये आपका सप्तमी तक बनकर रेडी हो जाएगा। और इस पंडाल का लगभग लंबाई चौड़ाई क्या होगा? लंबाई इस पंडाल का आपका 95 फीट के आसपास जाएगा और चौड़ाई आपका 110 के आसपास में ना फीट। हाँ, तो काफी बड़ा पंडाल बनने वाला है, क्योंकि आइसमन टेम्पल को पता होगा ये पंडाल, आपको बता रहे आपको आइसमन टेम्पल ये मायापुर में भी है और ये पटना में भी है, क्योंकि नया नया बना था। मायापुर का काफी फेमस है क्योंकि अभी तो वहाँ पर पता आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर कैमरा वैमरा घुसाने का भी अलाव नहीं है, तो इसको यहाँ पर आधारित कर रहे हैं ताकि यहाँ पर मेला भी जो है लगने वाला। मेला वगैरह कब से लगेगा यहाँ पर? मेला आपका वही मतलब सप्तमी के दिन जो हम लोग का उद्घाटन होता है उस दिन से ही सारा शुरू हो जाता है मेला। तो मौत का कुआं आएगा कि नहीं सर? हाँ, सब आ रहा है। सर तो मेला में पता आप लोगों को, हमको लगता है कि बोकारो में मात्र एक ही जगह आता है मौत का कुआं और आता है यहाँ वैशाली मोड़ में आता है। तो सबसे पहले इन कमेटी मेंबर को मैं काफ़ी थैंक देना चाहता हूँ, क्योंकि मायापुर का जो ये आइसक्रीम टेम्पल बन रहा है काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर थैंक यू भैया, ठीक है? तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर है ये आइसक्रीम टेम्पल, जब बन के रेडी होगा काफ़ी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि मैंने खुद वहाँ टेम्पल गया हूँ यार, काफ़ी खूबसूरत लगता है। बाकी बात देखते हैं यहाँ पर बन के रेडी हो रहा है, थोड़ा लेट से काम स्टार्ट हुआ मेरे को लगता है, क्योंकि अभी तक आधा बन के रेडी हो जाना चाहिए। बाकी बात आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छा लगा हो चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का सीरीज चल रहा है तो हर जगह का, झारखंड के सभी जगहों का हम आप लोग दुर्गा पूजा पंडाल का वीडियो दिखाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।